हजरत हसन अपने छोटे भाई हजरत हुसैन को साथ लेके और अपने कमांडर को साथ लेके दमिश्क पहुंच गए। हद हो गई है ईसार की। ये नहीं कहा भी तू मेरे पास आ, कूफे आओ, सुलो कूफे में होगी या किसी ऐसे शहर में जाए, ना तेरा ना मेरा। हजरत अली के फर्जंद ने कहा मैं तेरे घर में आके तेरे हाथ पे बैत करूंगा। फरीकैन की किताबें देखिए, मैं कोई बात बगैर दलील के नहीं करना चाहता। यह बहुत बड़ी बात है जो मैं कर रहा हूं, मामूली बात नहीं है, खुदा की कसम यह बहुत बड़ी बात है। फरीकैन की किताबें रिजाल कशी, उसका सफा 101 है, जाइए देखिए, न मिले तो फिर मेरे पास लाइए, या जो मेरे पास रिजाल कशी है वो देख लीजिए, उसका सफा 101। दमिश्क पहुंचे, दमिश्क की जामिया मस्जिद में लोग इकट्ठे हुए, लोगों का तो झमघटा लग गया होना कि मेरे नबी के नवासे आए, हसनैन करीमैन आए। हजरत हसन ने मस्जिद में पहुंच के हजरत मुआविया को मिंबर पे बिठा दिया, खुद नीचे बैठ के। तुम क्या जानो मुआविया कौन है? गालियां निकालनी आसान है, तनकीद करनी, निश्तर चलाने आसान है। हजरत हसन उठे और हजरत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की। ये रिजाल कशी है, सफा 101 है। फिर कहा कुम या हुसैन, हुसैन उठो, तुम भी बैत करो। वो उठे, उन्होंने भी बैत की। फिर जो इनका कमांडर है कैस इब्ने साद इब्ने उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, खुद हजरत कैस भी साहबी हैं, मामूली आदमी नहीं है, साहबी है खुद। कुम या कैस, कैस उठो और मुआविया के हाथ पे हाथ रखो। रिजाल कशी के लफ्ज हैं। बड़ी मुद्दत हुई मैंने वो किताब देखी नहीं, बड़ी बहुत पहले देखी थी, लेकिन वो लफ्ज मेरे जेहन में है आज तक। फल तफाता कैसो इलल हुसैन, जब कैस से कहा गया कि उठो और बैत करो, तो कैस ने हुसैन की तरफ देखा कि मन रहन दो, मैं फौजी आदमी हूं, मन रहन दो, तुसी बैत कर लीए, बड़ी हो गई है। फल तफा तक कैसो इलल हुसैन, देखा कभी आंखों आंखों में बड़ी बातें होती हैं। हजरत हुसैन समझ गए। हजरत हुसैन ने कहा कुम या कैस, कैस उठो, फबा ये मुआविया की बैत करो, इन्नहू इमामी, इन्नहू इमामी। यहां रिजाल कशी ने थोड़ी सी डंडी मारी, कहता है इन्नहू इमामी यानी हसन, बैत करो इसलिए कि ये मेरा इमाम है। तो वो कहता है यानी अल हसन, यानी इमाम हजरत हुसैन ने किसको कहा? हसन को कहा। मैंने कहा आपने डंडी मार ली, चलो आप हसन ही को यहां से मुराद ले ले, मैं फिर मैं ना कर देता हूं। हजरत हुसैन ने कहा कुम या कैस, उठो, फबा ये बयत करो, फइन्नहू इमामी, जिसको मेरे इमाम हसन ने इमाम मान लिया है,
उसे मैंने भी इमाम मान लिया। अब मुसलमानों में एक दफा फिर क्या हो गई, सारे मुसलमान एक अमीर पे मुत्तफिक हो गए, इख्तिलाफ हो खत्म, झगड़े खत्म हो गए। बहुत सारे लोग नए आए होंगे और मेरी आज की तकरीर या इस रात की जितनी मेरी तकरीरें हैं उसके मुखातब ही अहले सुन्नत हैं, दूसरा फिरका मेरा मुखातब ही नहीं। ना, मेरे मुखातब कौन है? सुन्नी, जेड़े सुन होए ने। दूसरे तबके से मुझे कोई सरोकार नहीं, बिल्कुल कोई सरोकार। जो तबका उम्मत के पहले मोमिन ही को मोमिन न माने, पता नहीं समझो कि नहीं समझे, और जो तबका उस शख्सियत पे तनकीद करे कि जो फर्श पे बोलता था तो रब उसके बोलों को अरश से बड़ी बना के उतार दिया करता था, उस तबके से कोई सरोकार नहीं है। उस तबके से कोई सरोकार नहीं, उनसे क्या गिला है? अगर वो अमीर मुआविया को तनकीद का निशाना बनाएं, गिला क्या है? करोड़ों अमीर मुआविया इकट्ठे हो जाएं, हजरत उमर का मुकाबला कर सकते हैं? हजरत अली का मुकाबला कर सकते हैं? उनसे कोई सरोकार नहीं है। जो अल्लाह करे मेरे अपने मुक्तदी तो जल्दी समझ जाएंगे, अल्लाह करे दूसरे लोग समझ जाएं, उस तबके से कोई सरोकार नहीं है जो उस शख्सियत का हया ना करे जिससे रब के फरिश्ते भी हया किया करते थे। उस तबके से क्या गिला है? अगर वो अमीर मुआविया को तबर्रा करता है उनसे क्या सरोकार है? मेरे मुखातब तो सुन्नी है। जो अमीर मुआविया को सहाबी मानते हैं फिर तनकीद, सहाबी भी मानते हैं तबर्रा भी करते हैं, सहाबी भी मानते हैं गलतियां गिनवाते हैं, सहाबी भी मानते हैं तनकीद भी करते हैं, उस तबके से मुझे कोई गिला नहीं है जो उस खातून का एहतराम न करे जिस खातून को रब के सलाम आया करते थे। वो अगर अमीर मुआविया पे तबर्रा करे कौन सा गिला है? लिहाजा वो तबका हमारा मुखातब नहीं है। हमारे मुखातब हैं भोले भाले सुन्नी जिन्हें वरगलाया गया इस वाके के रंग में। असल में वो तबर्रा करना चाहते थे मुआविया पर, लेकिन मुआविया पे बड़ा रास तबर्रा करे ना जरा औखी गल ले। तो उन्होंने कहा मुआविया ने जिस बेटे को वली अहद बनाया था उसे इतना गंदा कर दो, इतना बदतर करके दिखाओ कि लोग खुद बखुद सोचें कि जो यजीद इतना बुरा था जिस मुआविया ने उसको मसनद खिलाफत पे बिठाया वो भी कोई अच्छा। असल में अमीर मुआविया तक पहुंचना है। आप मुझे बताएं जितने लोग यहां बैठे हो, एक आलिम हो, मुत्तकी हो, शेखुल हदीस हो, परहेजगार हो, नेक हो, बेलौस हो, लालची ना हो, सारी सिफतें हो उसमें, उसका बेटा जानी हो, शराबी हो, बेनमाज हो, रंडियों के नाच करवाता हो, और वो शेखुल हदीस, वो आलिम, वो मुत्तकी जुमे के दिन अपने शराबी बेटे को मिंबर पे बिठा दे, बोलो क्या कहोगे उस आलिम के मुताले? क्या कहोगे?
कि इसने क्या की है, कुंभा परवरी की है, मफाद परस्त है, मिंबर पे बिठा दिया जानी को, शराबी को, बद किरदार को। तो जब तुम गालियां निकालते हो तो जिस मुआविया ने उसको खिलाफत पे बिठाया था उसके मुतल्लिक क्या ख्याल है, बोलो ना। एक सुन्नी आलिम है, बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा नाम है, अपने आप को वो कहता मैं मुनाजिर इस्लाम हूं। उसने अपनी किताब में लिखा कि यजीद अपनी बहनों से जिना करता था। अच्छा ये बताओ यजीद की बहनें कौन थीं, किसकी बेटियां थी वो? ये बात लिखते हुए हया नहीं आई कि यजीद की बहनें बेटियां किसकी हैं? और फिर उसी किताब में एक और जगह पे जाके लिखता है कि मुआविया ने अपने बेटे यजीद से कहा, बेटा दिन के वक्त रकीब की आंख खुली होती है, ये काम जो तू करता रहता है बदकिरदारियों वाले, ये दिन में न किया कर, रात के वक्त कर लिया कर। इन्ना लिल्लाहे, ये सहाबी अपने बेटे को तलकीन कर रहा है, ये सहाबियत का चेहरा है। तो मेरे मुखातब तो सुन्नी है, अहले सुन्नत है, जो मुआविया पे तबर्रा करते हैं, तनकीद करते हैं, उनसे कहना चाहता हूं हजरत हसन की सुलह करने के बाद 54 सूबे इस्लामी ममलिकत के, जिसका वाहिद खलीफा और हुक्मरान अमीर मुआविया है। सूबे कितने? मदीना, मक्का, मिस्र, इराक, बसरा, कूफा, दमिश्क, शाम, ये सारे इलाके 54 सूबे। मैं बड़के लगाने का आदी नहीं हूं, लेकिन अमीर मुआविया की सैर लेते हुए यह बात कहूंगा, 54 सूबों के कलमा पढ़ने वाले लोगों में से एक बंदा सामने लाओ जिसने मुआविया की बयत का इनकार किया हो। लाओ एक बंदा पेश करो जिसने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की बयत से क्या किया हो, नहीं किया। मक्के वाले, मदीने वाले, मिस्र वाले, शाम वाले, इराक वाले, 54 सूबों पे हुक्मरान हैं और 19 साल हुकूमत की। जी कितने साल? 19 साल। अदल के साथ, इंसाफ के साथ। कोई ये तरक्की का जमाना था? टेक्नोलॉजी, साइंस, ये कारें, मोटरें और ये जहाज और ये टेलीफोन और ये वायरलेस और ये मोबाइल और ये प्रेसें, बैठा है दमिश्क में और दमिश्क में बैठ के आर्डर करता है, ओए सर्राफों रात को अपनी दुकानें खुली छोड़ के आया करो। मुआविया देखेगा वो कौन सी मां है जिसने बच्चा जना है जो मेरी हुकूमत में चोरी करके दिखाए। इसलिए आपको यह बात समझाना चाहता हूं, मेरे मुखातब आप हैं, मेरे मुखातब सिर्फ अहले सुन्नत हैं जिनके ज़ेहन अमीर मुआविया के मुतालिक साफ नहीं, और वो आज तक तनकीद करते आ रहे हैं कि उन्हें अपने बेटे को हुकूमत दे दी, मुलुकियत में बदल दी। वो मैं अभी बयान करूंगा कि क्यों दी, ये मैं अभी बयान करता हूं इंशाअल्लाह कि वली अहद बनाया क्यों।
अपने बेटे को क्यों वली अहद बनाए। लेकिन खुदा के लिए जितने बंदे आए हो, सहाबा ऐसी अजीम शख्सियात हैं जिन्हें तारीख की किताब में नहीं देखना, कुरान के वर्कों में देखना है। सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, कुरानी शख्सियात है। मैंने ये नहीं देखना कि तिबरी कौन है, नहीं, इब्ने असीर कौन है, इब्ने खुलदून कौन है, इब्ने खल्लेकान कौन है, इब्ने असाकर कौन है। मैंने तारीख की किताबों को नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। मेरे पास मेयार अल्लाह का कुरान है, मैंने तारीख को उसके साथ लगाना है। लग गई ठीक, नहीं लगी तारीख को मैंने दीवार पे मार देना है, कुरान को गले से लगा लेना है। मैंने नहीं देखना तिबरी क्या कहता है। सहाबा, मैं अक्सर एक बात जलसों में कहा करता हूं, हमारे पीरे तरीकत खतीबे इस्लाम हजरत सैयद अनायतुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्ला अलैह, मैं अभी प्राइमरी में पढ़ा करता था, मैंने 18 ब्लॉक में उनकी एक तकरीर सुनी, 3 घंटे अजमत सहाबा पे। तो बाद औकात जो बचपन होता है ना, बचपन, तो बातें दिल में पेवस्त हो जाती। यहां भी जो बच्चे बैठे हैं वो अपने दिलों में पेवस्त कर लें इस बात को, मेरे दिल में पेवस्त हो गए। बच्चा था मैं, शाहजी ने फरमाया सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। गंदी मक्खी, गंदी मक्खी बैठती है गंद पे, गंदी मक्खी बैठती है गिलाजत पे, गंदी मक्खी बैठती है गू पे, और शहद की मक्खी फूलों पे, फलों पे, सब्जे पे। सहाबा के मामले में गंदी मक्खी बनकर सहाबा को तारीख के वर्कों में नहीं देखना, शहद की मक्खी बन के कुरान के सफों में देखना है। शाह इंज बन दे, शाह आख्या ना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जेहन में रखिएगा, सहाबा को तारीख की किताबों में नहीं देखना, किस में देखना है, कुरान के वर्कों में। कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून, कुरान कहता है उलाइका हुमुर राशिदून, कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुत्तकून, कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कुरान कहता है उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम। सहाबा पे जो बंदा तनकीद कर रहा है, पहले उससे पूछो मियां तेरे मुंह में कितने दांत हैं, कौन है तू, अपनी पोजीशन वाजे कर, तू अपनी पोजीशन वाजे कर, तू कौन है। और जिन पे तू तनकीद कर रहा है उनके मुतालिक तो रब ने कहा आद्दा लहुम जन्नातिन, आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। मेरा सोना पैगंबर, असा तो जन्नत सजाई तेरे यारा वास्ते है, उनके लिए, उनके लिए तो जन्नत है। जो तनकीद कर रहा है ये बताए कि ये हजरत अमीर मुआविया के जमाने में फुतूहात का सिलसिला फिर चल निकला, कहां तक पहुंचे, काबल जी,
फतुहात शुरू हो गई। क्यों? मुत्तफिक हो गए, मुत्तहिद हो गए, इख्तिलाफ खत्म हो गया, झगड़े मिट गए, कुव्वत मुज्तमी हो गई, इख्तिलाफ खत्म हुआ,